आज मैं पनीर मसाला बनाने जा रहा हूँ। मैं 200 ग्राम पनीर लिया और कैप्सिकम एक बड़ा सा और टमाटर एक बड़ा सा, धनिया पत्ता और दो अनियन और गार्लिक अदरक और टमाटर सॉस और धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और गरम हो गया, अभी थोड़ा जीरा डालना है। उसके बाद ऑनियन, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसी तरह। ये थोड़ा कलर चेंज हो गया ऑनियन का। अभी गार्लिक अदरक डालना है। अदरक लहसुन को एक पीस फ्राई करना है। अदरक लहसुन को एक पीस फ्राई करना है। अभी इसमें कैप्सिकम डालना है। एक इंच फ्राई करना। अभी इसमें जीरा पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर हाफ चम्मच और चिल्ली पाउडर। अभी हल्दी डालना है और स्वाद अनुसार नमक। इसका हम 10-15 मिनट तक इस तरह पकाएंगे। पकाना 10-15 मिनट में पका लिया। अभी टमाटर डालना है। इसमें पानी डालना है। आप पनीर को फ्राई करके डाल सकते हैं, नहीं तो कच्चा डाल भी सकते हैं। अभी गरम मसाला डालना है और धनिया पत्ता। अभी इसको 10-15 मिनट तक फ्राई करना। उसके बाद मसाला पनीर रेडी हो जाएगा। पनीर मसाला रेडी हो गया। आप इसको चपाती रोटी साथ खा सकते हैं। मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।